क्या लर्न किया आपने वहाँ पे 2 साल में? मैंने तो जो लर्न किया है उस पर तो मैं शायद किताबें लिख सकती हूँ। बहैसियत एक आम इंसान के सबसे बड़ी चीज़ जो मैंने सीखी वो ये थी कि किताब को उसके कवर से मत जज करें, लोगों से बात करें, क्वेश्चन करें, क्वेश्चन करें जजमेंट के लिए नहीं, क्वेश्चन करें समझने के लिए, सुने एक्टिवली। ये सारी चीज़ें मैंने वहाँ जाके सीखी और हमारे कल्चर में नहीं सिखाई जाती। काइंडनेस नहीं सिखाई जाती एज अ लाइफ स्टाइल के जी, आपने अगले बंदे को उसकी परेशानी को समझ के बात करनी है जी। यहाँ पर होता है कि किसी पर मुश्किल आई है तो आपको, तो मेरे पर भी आई थी, मैं तो ठीक हो गया था। वहाँ पर है कि जिस, वहाँ पर ये मैंने सीखा कि जब कोई मुश्किल में कोई होता था, हो सकता है जिससे मैं बात कर रही हूँ वो मेरे से भी ज़्यादा मुश्किल में रहा हुआ, लेकिन बड़े कंपैशन के साथ सुनते थे बात। एम्पथी है बहुत बहुत ज़्यादा थी। मैं स्पेशली जिस एरिया में मैं रहती थी वो तो बहुत बहुत ही नाइस लोग। एक मैं आपको बड़ी अच्छी बात बताऊं जो कि आपके इस फोरम विलिंग वेज के साथ बहुत ज़्यादा रिलेवेंट हो जाती है जी। और वो ये है कि वहाँ पर हमें सिखाया गया जब हम नए नए गए टू आस्क फॉर हेल्प। ठीक। वो कहते थे कि मांगे मदद, डोंट बी शाय, डोंट कीप इट टू योरसेल्फ, मदद मांगे, यू नेवर नो कि आपकी कौन मदद करते। और मेंटल हेल्थ में ख़ास तौर से सबसे बड़ा जो इशू है वो स्टिग्मा का है कि लोग बात ही नहीं कर पाते। हमने इतना उसके ऊपर एक वो लगा दिया वह लेबल बुरा सा जी। तो हक है ये कि कोई भी अगर किसी को ज़रूरत है और आप उसकी मदद कर सकते हैं तो देर शुड बी नो बैरियर बिटवीन द टू। तो वो यही था कि इतनी चीज़ें जो एज अ ह्यूमन बीइंग सीखी थी, मैं चेंज मी एज अ पर्सन। ज़बरदस्त।